हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज अपना जिहड़ा सीएनसी का प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। पिछली बार आपां कीता सीगा प्लेन टर्निंग ते, इस बार आपां प्रोग्राम करना है स्टेप टर्निंग दा। ठीक है जी, अज आपां करना है स्टेप टर्निंग। ठीक है, चलो देखते हैं की दिता होया आपां नूं फिगर दे विच। पहला मटीरियल दिता होया आपां नूं, ठीक है, ऑफ डाया 40 एंड लेंथ 35 mm कर लो। टोटल मटीरियल रिमूव कितना होगा, जिवें 10 mm, ठीक है जी। 10 mm रिमूव करना, 2-2 mm हर एक स्टेप दे विच रिमूव करना, तो अपने को 5 स्टेप बनेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं आपां अगे। तो अपने को आ गया 40 का डाया फिगर के, 30 mm की लेंथ, 25 mm की लेंथ। फाइनल जड़ा आपां नूं इनिशियल डाया दिता होया वा 30, आपां फाइनल किन्ना बनाउणा वा 20 का डाया, ठीक है। हुण इहदे विच मैं तुहानूं एक गल दसदा, जदों माइनस जेड तां कटिंग होगी, ठीक है जी। वो कटिंग प्रोसैस होगा, जिथे भी मैं माइनस जैड की वैल्यू दूंगा माइनस के, तो कटिंग की कटिंग प्रोसैस होगा। जे प्लस जैड तो वर्क पीस तो थोड़ा जहा दूर होके मतलब खड़ूगा, ठीक है जी। टूल जरा अपना वो वर्क पीस तो थोड़ा जहा दूर होगा। एक्स उपर की होगा प्लस, तो नीचे की होगा माइनस, ठीक है जी। ये की है हूँ, आप चलो आप स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है। अपने को हैगा पहला की है T01, इसकी टूल नंबर। आप पहला टूल नंबर कॉल करेंगे, जोड़ा टूल आप ATC के यूज कर रहे हैं ऑटोमैटिक टूल चेंजर के, ठीक है जी। मैं टूल नंबर 1 कॉल किया, ऑफसैट आप डायरेक्टली मशीन तो भर सकते हैं जी, ठीक है। उस तो बाद G90 इज द एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम है ये, ठीक है जी। एब्सोल्यूट सिस्टम तुम समझते होंगे डिमेंशनिंग का, ठीक है। जिमें इस तरह अपने कोई दिखती हुई है पहला रेफरेंस, मैं इतों डिमेंशन दी, फिर वही लाइन तो पॉइंट तो मैं अगली डिमेंशन देती वो तो ही अगली, ठीक है। G91 इज फॉर एब्सोल्यूट, तो जे इंक्रीमेंटल यूज करनी है तो G91 इंक्रीमेंटल, ठीक है जी। तुम जो यही सेम प्रोग्राम है इंक्रीमेंटल के नाल बना के देखियो, मैं थोनू एब्सोल्यूट नाल करा देना, ठीक है। उसके विच जस्ट वैल्यूज चेंज होनगियां, बाकी सारा कुछ हो ही रहना। उस तो बाद G95 इस दी फीड रेट, आप फीड रेट दिने। उस तो बाद G71 इस दी मीट्रिक सिस्टम, MM दे विच जे आप कटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंच का कड़ा होंदा G70 इज यूज फॉर इंच प्रोग्रामिंग, ते G71 इज फॉर मीट्रिक MM। उस तो बाद G96 इज दी कॉन्सटेंट स्पीड, आप कॉन्सटेंट स्पीड रखनी है, ठीक है जी। उस तो बाद ZM03 स्पिंडल स्टार्ट हो गया, स्पिंडल स्टार्ट, ठीक है। उस तो बाद S इज दी स्पीड ऑफ स्पिंडल, लिमिट्स देती हैं 1800। ते M08 इस दी कूलेंट ऑन, कूलेंट नूं की कीता ऑन कर लिया, ठीक है। इन्हां सारिआं नूं पता लग गया होना, इन्हों नोट कर लियो। ते उस तो बाद Z00 रैपिड इंटरपोलेशन, मतलब जदों टूल कटिंग कर गया, ठीक है, मटीरियल दी कटिंग होगी तो उन्हें की है एकदम टूल ने उतों उठ के, जिमें अपना समझ लो इतने कटिंग उन्हें करती, टूल इतने पहुँच गया,
उन्हें एकदम इतों उठ के अपनी पोजिशन पर चले जाना जिथे मैं वो एक्स ते जेड के कोआर्डीनेट्स दूंगा उत्थे उन्हें टूल ने मूव कर जाना। फिर जो जी जीरो वन आप यूज करना मतलब की है आप जिमें इतने हाँ तो उन्हें की है इधर मूव करना इन कहने आप लीनियर इंटरपोलेशन जो जड़ी भी कटिंग होनी है वो जी जीरो वन के नाल होनी है जी जीरो जीरो आप यूज करते हैं जो कटिंग कर गया टूल तो उन्हें एकदम उठ के अपनी पोजिशन पर चले जाना जेडे आप कोआर्डीनेट्स प्रोवाइड करा। ठीक है जी नैक्सट आ गया अपने को इतने तक चलो इतने तक आप प्रोग्राम स्टार्ट कर लगे हैं। पहली प्रोग्राम की वैल्यू देखो एक्स ट्वेंटी एट जैड टू फिर जैड माइनस ट्वेंटी फोर। ठीक है इतने मैं एक एम वैसे तो आप पच्ची एम एम की करनी है एक एम एम मैं इतने मटीरियल क्यों छड़ रहे हैं कि आप फिनिशिंग परपस लिए एक एम एम मैं मटीरियल उत्थे छड़ रहे हैं कि आप जो कोई फिनिशिंग परपस बाद चो करना हो आप एक एम एम अपने को मटीरियल हो जे आप हमें ही सारा रफ कट वगैरह हूँ ही लगाते तो वह की है बाद डाया छोटा हो सकता है। ठीक है जी तो आप की है लेंथ छोटी हो सकती है। ठीक है तो आप एक एम एम की है एक फिनिशिंग परपस लिए उत्थे मटीरियल छड़ देना है। देखो ये एक्स ट्वेंटी एट मतलब कितने क्या आ गया इतने मेरा टूल आ गया आ सारी जैड की जैड इतने की है इतों दो एम एम दूर है वर्कपीस तो यह जैड की वैल्यू है दो टूल मेरा हमेशा की है सिर्फ मेरी एक्स की वैल्यू वेरी करूँगी बाकी जैड की वैल्यू मैं सेम रखनी है। ठीक है जी जिमें हूँ इतने मैं की है ट्वेंटी एट तो एक्स मेरा इतने ट्वेंटी एट आ गया इतने ट्वेंटी सिक्स आ गया। ठीक है जी रखना आही वाली सेहत ही रखना वा वो थोड़ी जी जगह की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा जहाँ थोड़ा दस रहा ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी टू। ठीक है अपने पांच कट लाने हैं दो दो एम एम के पहला मैं जैड ट्वेंटी एट पर आ गया इतने आ गया टू। ठीक है हूँ की किया मैं जैड माइनस ट्वेंटी फोर किया तो वो की हो गया आ सारी कटिंग हो गई आ मटीरियल अपना रिमूव हो गया इधरों भी सिमेट्रिकल है इसलिए मटीरियल दोनों पास रिमूव होगा। ठीक है इधरों मेरा मैं एक एम एम इतने छड़ रहा वा और इस करके फॉर फिनिशिंग परपस। ठीक है जी अपना पहला स्टेप हो गया आ अपना पहला स्टेप कटिंग का हो गया फिर की किया एक्स फोर्टी जेड टू मीनस की गया हूँ कितने आ गया एक्स फोर्टी मान लो मेरा एक्स जे थर्टी है तो यदि सेहत मेरा एक्स फोर्टी है इतने मेरा आ फोर्टी आठ। ठीक है मेरा टूल इतने आके जी जीरो दे नाल आ गया फिर मैं इनू की है टूल नीचे लैके आऊँगा कितने लैके आऊँगा ट्वेंटी सिक्स एक्स ट्वेंटी सिक्स जेड टू। ठीक है हूँ मेरा टूल इतने आ पॉइंट पर आ गया हूँ जो फिर मैं जेड माइनस ट्वेंटी फोर किया तो उन्हें की है फिर दोबारा कटिंग करती आ वाले की आ कटिंग इधरों आ कटिंग। ठीक है जी हूँ अपने दो स्टेप इस तरह हो गए उही ये लिखे आ देखो हाँ सैकेंड स्टेप सीगा कटिंग का यह भी होगी हूँ फिर की किया मैं जी जीरो जीरो ला के टूल नू पुरानी उहदी पोजिशन ते लै गया इत्थे आ गया फिर दोबारा जिहड़ा टूल की है इत्थे आ गया फिर उहनू मैं जैड एक्स ट्वेंटी फोर ते जैड टू मतलब कित्थे आ गया हुण मेरा टूल इत्थे आके खड़ा हो गया। ठीक है हुण उहतों बाद जद फिर मैं जैड दी माइनस वैल्यू दूंगा तो उहने की करनी है आ कटिंग कर देना इतों आ कटिंग होगी इधरों भी। ठीक है जी इन्नी कटिंग थानू पता लग गए तीन स्टैप आप कर लिए प्रोग्राम के। ठीक है तो ये भी आप अपनी कटिंग होगी। ठीक है दो स्टैप्स के मेरी कटिंग होगी हूँ की है एक्स फोर्टी जेड टू
फिर आप पिछे चलते हैं थोड़ा जा क्लीयर कर देना हूँ कितने आ गया जिम्मे आ 40 की लाइन है तो एक्स 40 जेड इतों 2 mm है इतने इतने आ गया ठीक है। हूँ मैं किन्नी कटिंग करनी है 24 तक हो गया हूँ समझ लो आप मैं हूँ अगली कटिंग करनी है तो मैं की है इतने एक्स की वैल्यू भरूंगा तो जेड की वैल्यू सेम जो तो मैं जेड की वैल्यू माइनस के विच दिती माइनस 24 दिती तो वह कटिंग आ कर दूगी ठीक है जी आ वाली कटिंग हो जाएगी आ उपरली पहला कटिंग हो चुकी है ठीक है इन्ना वर्कपीस मटीरियल उड़ गया तो इतों भी आप इन्ना रिमूव करता मटीरियल हूँ सिर्फ एक लास्ट कट रह गया वो भी देख लें आप इतने आ कटिंग होगी ठीक है जी हूँ फिर एक्स 40 जेड 2 उस तरह ही अपनी पोजिशन पर चले गया लास्ट फाइनल कट तो मैं इतने किया फाइनल कट फाइनल कटिंग होगी फाइनल कट भी लग गया ठीक है फिर लास्ट की है Z00 एक्स 70 जेड 50 मीन्स टूल कितने चले गया टूल जड़ा चले गया इतने आ गया Z00 जो कटिंग करके इतने ला लो हाँ 40 है तो एक्स 70 इतने तो जेड 50 इतने अपना टूल स्टैंड कर गया बाकी अपना तुसी वर्कपीस रिमूव कर सकते हो ठीक है ते अपनी लास्ट स्टेप आ या तुसी आ स्टेप लिख सकते हो या तुसी आ स्टेप दोनों दे विचों कोई भी एक स्टेप लिख दो ठीक है वो तो बाद M05 स्पिंडल स्टॉप कीता M09 कूलेंट ऑफ कूलेंट नूं ऑफ कीता ते M30 प्रोग्राम एंड रिवाइंड प्रोग्राम एंड जे आपां दूसरा इह इसे तरह का ही पीस लगा रहे हैं तो आपां प्रोग्राम नूं रिवाइंड कर देंगे कि वह दोबारा स्टार्ट हो जाएगा रिवाइंड यही प्रोग्राम दोबारा चलेगा। इस विच जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ तां दस दो ठीक है जी अपने दो प्रोग्राम हो गए एक प्लेन टर्निंग का हो गया एक स्टेप टर्निंग का हो गया नैक्सट जड़ा अपना तुसी आप भी इस प्रोग्राम में फिगर्स लैके या तुसी इहदे विच डिमेंशनस बदल के तुसी एक प्रोग्राम आप भी बना सकते हो जिवें मैं इत्थे डिमेंशनस चेंज कर दिना इत्थे कर दिंदे आपां 35 ठीक है इत्थे कर दिंदे आपां 55 दी लेंथ लै लिओ इतने अपना यदा डाया कर दिना मैं 50 यदा डाया कर दिना मैं 40 तुसी 20 का डाया करना है ठीक है कितना मटीरियल रिमूव करोगे 20 mm स्टॉक जड़ा तुसी रिमूव करना वा मटीरियल रिमूव करना ठीक है तो डेप्थ ऑफ कट तुसी 2 भी लै सकते हो 3 भी लै सकते हो 1 भी लै सकते हो ठीक है मतलब इन्ना भी डेप्थ ऑफ कट उन्नी क रखो कि ना टूल ते ज़्यादा लोड होवे ते थोड़ा जड़ी मशीन दी थोनू टाइम भी जड़ा कटिंग दे विच कट लगे ठीक है उन्ना क रख लो जिवें 2 mm कट रख के देख लियो ठीक है 20 mm रिमूव करना तां 10 स्टैप दा थोड़ा प्रोग्राम बनूगा वो तुसी आप ट्राई करियो एक बार ते ठीक है जी चलो इत्थे फिर मैं वीडियो नूं खत्म करदा ओके थैंक यू।